वेलकम स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है एस्टिमेशन ऑफ मशीन शॉप और उसमें जो हमारा टॉपिक जो हम आज करने वाले हैं वो है मशीनिंग टाइम फॉर ग्राइंडिंग ऑपरेशंस। बाकी सब मशीन हम कर चुके हैं। इससे पहले हमने मिलिंग मशीन का किया था, अब है मशीनिंग टाइम फॉर ग्राइंडिंग ऑपरेशन। तो ये ग्राइंडिंग ऑपरेशन होता क्या, ये सबको मालूम है, आप सबको पढ़ा हुआ आपने WT में, फिर भी इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द ग्राइंडिंग इज एन एब्रेसिव मशीनिंग ऑपरेशन इन विच मेटीरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द वर्क पीस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल चिप्स बाय मीन्स ऑफ ए रोटेटिंग व्हील कंसिस्टिंग ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स बॉन्डेड टूगेदर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि छोटे छोटे बारीक जो है कण निकालते हैं मेटीरियल के चिप्स की फॉर्म में, बिल्कुल बारीक चिप्स होती हैं, किसके द्वारा निकालते हैं, एब्रेसिव व्हील, समझ रहे हो। इसमें कोई कटिंग टीथ नहीं है, का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल नहीं है, इसमें हम एब्रेसिव व्हील से हम इसकी मटेरियल रिमूवल कर रहे हैं। ठीक है, तो मोस्टली ये फिनिशिंग ऑपरेशन में आता है, जैसे लेथ पे हमने कोई जॉब बनाई है उसकी टर्निंग कर दी, तो जितनी टूल से आ सकती उतनी तो हमने कर दी टर्निंग, लेकिन उसकी फिनिशिंग नहीं होती। वो अगर हमें फिनिशिंग करनी है उसके बाद में हमें ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, तो ग्राइंडिंग मोस्टली एक जो है स्मॉल मेटेरियल रिमूवल प्रोसेस में यूज करते हैं जनरली, लेकिन कई कई बार हम हैवी कट से भी मेटेरियल रिमूव करते हैं ग्राइंडिंग में किसी किसी ऑपरेशन में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जो मेन जो ऑपरेशन हमारे जो ग्राइंडिंग में करते हैं, तो सरफेस ग्राइंडिंग होती है और एक सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, तो टू मेथड्स है हमारे ग्राइंडिंग के, इसमें सरफेस ग्राइंडिंग और सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। सरफेस ग्राइंडिंग तो आपको इमेज से समझ में आ ही रहा होगा कि ये वर्कपीस है और ये टेबल पे माउंटेड है और वो टेबल रेसिप्रोकेट कर सकती है, वर्कपीस को लेके रेसिप्रोकेट कर सकती है ग्राइंडिंग व्हील के नीचे। और ग्राइंडिंग व्हील भी दो तरह से होता है, जैसे मिलिंग मशीन का ऑपरेशन होता है ना, वैसे वैसे इसका आप समझ सकते हो। तो ग्राइंडिंग व्हील इस तरीके से भी माउंटेड हो सकता है और इस तरह से, तो हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल पोजिशन में भी। तो जिस तरह से मिलिंग ऑपरेशन होता है इसी तरह से सरफेस ग्राइंडिंग में भी हम कंसिडर कर सकते हैं, तो टाइम भी कुछ कुछ वैसे ही हम निकालते हैं। तो इसमें जो मूवमेंट है वर्कपीस की, एक तो टेबल रेसिप्रोकेट करी है लॉन्गिट्यूडनली और एक हरेक कट के साथ जो है एक ये ट्रांसवर्स फीड भी दे रहे हैं, टेबल इधर भी जा रही है, समझ रहे हो। तो ये तो होगी सरफेस ग्राइंडिंग। एक होती है सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, इसमें क्या करते हैं, मान लो कोई सिलेंड्रिकल पीस को हमने ग्राइंड करना है, ठीक है, तो उसको हम सेंटर्स के बीच में उस सिलेंड्रिकल पीस को माउंट कर देते हैं और ग्राइंडिंग व्हील को हम रोटेट करते हैं उसके साथ टच करके, तो ये उसकी पूरी सिलेंड्रिकल सरफेस को वो फिनिश कर सकते हैं इस तरीके से। तो इन दोनों का हम टाइम निकालेंगे किस तरह से निकलेगा, ठीक है। तो नॉर्मली जो हम टाइम निकालते हैं, आपको जनरल एक फार्मूला पता ही है, इसमें भी क्या मिलिंग में भी किया आपने, लेंथ ऑफ जॉब या लेंथ ऑफ ट्रेवल ऑफ द टूल डिवाइडेड बाय फीड पर मिनट, यही होता है ना। एक तो ये जनरल फार्मूला है फॉर वन कट, ठीक है। अब हम सरफेस ग्राइंडिंग की बात लेते हैं, तो इसका काम कैसे हो रहा है। अब ये लिया हमने, जैसे मान लो ये वर्क की सरफेस है जिसको हमने ग्राइंड करना है। अब ये वर्क पीस जो है ये ग्राइंडिंग व्हील है, ये रोटेट कर रहा है ऐसे। अब वर्क पीस जो है एक तो इस डायरेक्शन में रेसिप्रोकेट करेगा, रेसिप्रोकेट करे एक स्ट्रोक इधर, इधर भी कटिंग होगी एक स्ट्रोक वापिस जाते हुए, ठीक है। तो ये स्ट्रोक होती है इसमें, कटना बोल के हम स्ट्रोक बोल रहे हैं, एक स्ट्रोक इधर और एक इधर, और ये इसकी विड्थ हो गई वर्क पीस की। और इसी व्हील से हमने यहां से यहां तक इसको पूरा पूरा फिनिश करना है, तो टोटल एरिया जब फिनिश करेंगे तो उसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो मान लो हम पहले केवल एक यहां से यहां तक वर्क पीस गया तो उसमें कितना टाइम लगा एक स्ट्रोक में, ठीक है, तो वो कितना आएगा, वो आएगा एल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल फीड, ठीक है, एक स्ट्रोक में, और नंबर ऑफ स्ट्रोक एन है मान लो, तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो फार्मूला क्या है हमारा, एल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल फीड, लॉन्गिट्यूडनल फीड मतलब जैसे वर्कपीस रेसिप्रोकेट करके इधर गया तो एक जो है स्ट्रोक हो गया, ठीक है ना। तो उस टाइम पे जो फीड मिली इसको एक स्ट्रोक में वो लॉन्गिट्यूडनल फीड हो गई, तो ये हमारे को इधर की फीड हो गई।
और ऐसे ऐसे हमने एन नंबर ऑफ स्ट्रोक्स दिए तो टोटल टाइम आ जाएगा। ये नंबर ऑफ स्ट्रोक्स कैसे निकालेंगे, अब ये विड्थ है पूरे को कवर करना हमने, ठीक है, तो इधर भी फीड मिल रही है हमें, हमारे को फीड इधर भी मिलेगी, ठीक है, तो इस पूरी डब्ल्यू को इसने कवर करना है तो वो ट्रांसवर्स फीड हो जाएगी। तो एक स्ट्रोक में मान लो इतना हिस्सा किया, ठीक है, अगले स्ट्रोक में इतना हो गया, इससे अगले, इस तरह करते करते पूरी विड्थ क्रॉस हो गई, ठीक है ना। तो अब मान लो मैं निकाल लू नंबर ऑफ स्ट्रोक्स कितने लगेंगे, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय ट्रांसवर्स फीड पर स्ट्रोक, एक स्ट्रोक में इतना गया, तो नंबर ऑफ एक दो तीन चार इस तरह से ये आ गए, ठीक है, तो विड्थ ऑफ जॉब डिवाइडेड बाय ट्रांसवर्स फीड पर स्ट्रोक, तो इससे ये निकल आया। तो ये फार्मूला इसका है, तो ये टोटल टाइम इससे आ जाएगा, इतना तो केवल पर स्ट्रोक टाइम लग रहा है और एन से मल्टीप्लाई है तो टोटल टाइम कितना लगा सरफेस ग्राइंडिंग में, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, ठीक है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग का वही सिंपल सा है तरीका, फार्मूला आपको पता है सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में, इसमें क्या होगा, इसमें मान लो ये सिलेंड्रिकल वर्कपीस है, और ये ग्राइंडिंग व्हील हो गया हमारा, ठीक है, तो अब ये व्हील जो है मान लो यहां से शुरू किया उसने ग्राइंड करना और ये फीड जो है इधर जा रही है, ठीक है, तो इसको इस सिलेंडर को हमने ग्राइंड करना है, तब इसके लिए टाइम क्या है, इट इज द मान लो ये लेंथ हो गई लेंथ ऑफ कट, तो ओवर ट्रेवल इसमें कम से मान लो कर लिया हमने लेंथ ऑफ कट डिवाइडेड बाय फीड पर मिनट। अब फीड पर मिनट क्या है, फीड पर मिनट इज इक्वल टू फीड पर रिवोल्यूशन इनटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट यानी कि आरपीएम, ठीक है, और एन का फार्मूला आपको मालूम ही है, ठीक है, जो पहले भी हमने किया है, तो इस तरीके से इसमें आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें रोटेट कर रहा है और इसमें इसके इधर ये फीड मिल रही है, ठीक है, तो अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से इसमें क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे हमें और ज्यादा क्लियर होगा कि हमें टाइम कैसे निकालना है ग्राइंडिंग के ऑपरेशन में, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल क्या दिया है कि एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डूइंग रफ ग्राइंडिंग, ये वर्ड याद रखना रफ ग्राइंडिंग ऑफ ए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एमएस शाफ्ट टू रिड्यूस इट्स डेप्थ फ्रॉम 4.2 टू 3.6 सेंटीमीटर विद ए ग्राइंडिंग व्हील ऑफ 2.5 सेंटीमीटर फेस विड्थ, ये भी याद रखना। एज्यूम कटिंग स्पीड एंड डेप्थ ऑफ कट एज 20 मीटर पर मिनट एंड 0.25 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली, तो ये हमें डाटा दिया है, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि एक शाफ्ट मान लो ये उसका इनिशियल डाया है D1 और इसको हमने D2 पर लेके आना ग्राइंडिंग के द्वारा, और ग्राइंडिंग व्हील ये हमारा शायद ये ले लो सपोज ये है, ठीक है, 4.2 D1 और 3.6 D2 विद ए ग्राइंडिंग व्हील, ये ग्राइंडिंग व्हील हो गया हमारा जिसकी फेस विड्थ है 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो विड्थ है ना ये है इसकी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एज्यूम कटिंग स्पीड ऑफ द एंड डेप्थ ऑफ कट 20 मीटर पर मिनट एंड 0.25 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली, ये हमारे को डाटा दिया तो हमने इसको लिख लिया, लेंथ ऑफ जॉब ये हो गया, इनिशियल डाया ये हो गया 4.2, फाइनल डायमीटर 3.6 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ व्हील 2.5 सेंटीमीटर, कटिंग स्पीड 20 मीटर पर मिनट, डेप्थ ऑफ कट 0.25 मिलीमीटर, ये हमारे को अलाउड है डेप्थ ऑफ कट। अब सॉल्यूशन अगर करते हैं तो सबसे पहले देखें हमें टोटल डेप्थ ऑफ कट चाहिए कितनी, पहले D1 था फिर D2 किया जैसे हमने टर्निंग में भी देखा था, तो D1 माइनस D2 बाय 2 इज इक्वल टू 0.3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, या 3 मिलीमीटर हमें टोटल डेप्थ ऑफ कट चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ कट्स कितने चाहिएंगे हमें, इतनी डेप्थ टोटल डेप्थ इतना डायमीटर रिड्यूस करने के लिए,
वो किसका फार्मूला क्या है, टोटल डेप्थ ऑफ कट डिवाइडेड बाय अलाउएबल डेप्थ ऑफ कट जो हमारे को अलाउड है वो कितनी है 0.25 मिलीमीटर, तो कितना हो जाएगा 3/0.25, तो कितने नंबर ऑफ कट्स आ जाएंगे हमारे 12। ठीक है, पहले तो हमने ये निकाल लिया। अब हमें मालूम है कि जो टाइम निकालने का फार्मूला है सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में वो क्या है, लेंथ ऑफ कट डिवाइडेड बाय फीड पर मिनट इनटू नंबर ऑफ कट्स। ठीक है बच्चों, तो इस फार्मूला को यूज करके हम टाइम निकाल लेंगे। अब इसमें क्या है, टी इज इक्वल टू एल अपॉन एफ पर मिनट इंटू एन। एल क्या चीज है, लेंथ ऑफ जॉब प्लस 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर क्या है आपको पहले भी मालूम है, ये है ओवर ट्रेवल या ओवर रन। ठीक है, तो इसमें एल किसके बराबर है, 20 तो ऑलरेडी है, 0.5 हमारे को ओवर रन ले लिया हमने, तो टोटल कितना 20.5 सेंटीमीटर, 20.5 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ ऑफ कट आ गया। अब आ जाती है फीट पर मिनट, फीट पर मिनट किसके बराबर होगी, फीड पर रिवोल्यूशन इंटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट। अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट कहां से आएंगे, वो फार्मूला हमें पहले ही मालूम है, 100s डिवाइडेड बाय पाई डी, 100s डिवाइडेड बाय पाई डी। अब डी क्या है, डायमीटर ऑफ वर्क पीस, मीन डाया ऑफ वर्क पीस। अब मीन डाया क्यों ले रहे हैं, अब ये सोचो, अगर तो केवल माइनर सा हमें कोई फिनिशिंग कट लगाना होता तो डायमीटर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो उसके हिसाब से आरपीएम हम निकाल सकते थे, समझ रहे हो। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि डायमीटर के हिसाब से अगर ज्यादा डायमीटर है तो आरपीएम कुछ और होंगे, कम होगा तो कुछ और हो जाएंगे। ठीक है, सेम कटिंग स्पीड के लिए, ठीक है, तो सेम कटिंग स्पीड के लिए आरपीएम अलग अलग हो जाएंगे। अब क्योंकि इसमें डेप्थ ऑफ कट अच्छा खासा आ गया 3 मिलीमीटर का लगाना, तो डायमीटर हम इसका मीन डाया ले लेंगे, तो इनिशियल डाया प्लस फाइनल डाया डिवाइडेड बाय 2, तो हमने मीन डायमीटर निकाल, उसके हिसाब से आरपीएम निकाल लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आरपीएम शुरू में कुछ थे, बाद में कुछ होगा, तो हमने मीन वाले ले लिया, तो मीन आरपीएम हमारे कितना आ गया, 163 आरपीएम, 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 3.9, समझ गए। अब फीड पर रिवोल्यूशन किसके बराबर होगा, हमारे को फीड पर रिवोल्यूशन तो दिया ही नहीं है, अब आप सोचो ये कैसे आएगा। अब इसमें ये नोट करने वाली बात है, इस केस में फीड पर रिवोल्यूशन जो ग्राइंडिंग के केस में है वो होता है इसकी फेस विड्थ के हिसाब से, अब वो कितना होता है, W/2 to W/4 सेंटीमीटर पर रिवोल्यूशन। अब ये रेंज दे दी, अब ये W/2 कब लेते हैं, जब हमें रफ कट लगाना हो, ये फीड पर रिवोल्यूशन W/2 जब लेंगे, जब रफ कट लगाना हो, और W/4 कब लेंगे, जब हमें फिनिश कट देना हो, फिनिश करना हो सरफेस को, तो उस टाइम पे हम W/4 ले लेते हैं, यानी कि धीरे धीरे हम व्हील को आगे फीड करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमारे को रफ कट दे रखा है, रफ ग्राइंडिंग करनी है, तो क्या हो जाएगी, W/2 लेंगे हम फीड पर रिवोल्यूशन। ओके, तो W/2 लेंगे तो 2.5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि W/2.5, तो फीड पर रिवोल्यूशन आ गया हमारे पास 1.25 सेंटीमीटर पर रिवोल्यूशन, और फीड पर मिनट कितना हो जाएगा, एन हमने पहले ही निकाल रखा है, तो 1.25 इंटू 163 फीड पर मिनट हो जाएगी हमारे पास। ओके, अब इसी चीज को हमने उसके फार्मूले रख दिया, टाइम वाले फार्मूले में रख दिया, 20.5 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 163 इंटू नंबर ऑफ कट्स, तो हमारे पास टाइम कितना आ गया, 1.25 मिनट्स। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको आप जरूर सोल्व करके देखना और समझना इसको। ओके, अब एक न्यूमेरिकल और करते हैं सरफेस ग्राइंडिंग का। सॉरी बच्चों, ये जो टाइम आएगा हमारा 1.21 मिनट आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक बार कर लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ सरफेस ग्राइंडिंग के। बच्चों ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है सरफेस ग्राइंडिंग का, तो क्वेश्चन क्या है, टॉप ऑफ ए कास्ट आयरन प्लेट ऑफ साइज 16 सेंटीमीटर बाय 80 सेंटीमीटर इज टू बी ग्राउंड बाय 20 सेंटीमीटर डाया व्हील हैविंग 2.5 सेंटीमीटर फेस। ये डाया हो गया और ये उसकी फेस विड्थ हो गई 2.5 सेंटीमीटर ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस ग्राइंडर, द विड्थ ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज 1/5 ऑफ इट्स विड्थ। ये याद ध्यान रखना, इफ द टेबल मूव्स एट ए स्पीड ऑफ 8 मीटर पर मिनट, टेबल मूव का मतलब वो रेसिप्रोकेट कर रही है उसके नीचे, ग्राइंडिंग व्हील के नीचे। ठीक है,
कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ग्राइंडिंग द सर्फेस इन टू कट्स. नंबर ऑफ कट्स कितने चाहिए हमें? टू. एज्यूम डेप्थ ऑफ कट इज 1 मिलीमीटर. तो डेप्थ ऑफ कट दे दिया हमें 1 मिलीमीटर का. ठीक है, अब इसमें जो जो दिया हम लिख लेते हैं. लेंथ ऑफ जॉब 80 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ जॉब 16 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील 20 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ व्हील 2.5 सेंटीमीटर. अब दो तरह की फीट बताई थी मैंने, मान लो ये वर्क फेस है हमारा, ठीक है ना, और ये वर्क पीस है, इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी विड्थ हो गई. ठीक है, हम इस तरह के व्हील से जो है हम इसको हॉरिजॉन्टल, क्या बोला, हॉरिजॉन्टल सरफेस ग्राइंडर, इससे हम इसकी ग्राइंडिंग कर रहे हैं. ठीक है, और ये वर्क पीस जो है वो रेसिप्रोकेट करेगा इसके नीचे, यानी कि इसमें हमें दो फीड देनी पड़ेगी, एक तो इधर की फीड और इधर की फीड. ठीक है, तो ये दो तरह की फीड इसमें जाती है, एक तो हो गई लॉन्गिट्यूडनल फीड और एक ट्रांसवर्स फीड, दो तरह की फीड इसमें रहती है. तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल फीड है वो हमारे को दी है 8 मीटर पर मिनट, यानी कि इतने स्पीड के साथ टेबल इसके नीचे से, व्हील के नीचे से मूव करेगी, और एक बार एक कट लग गया उसके बाद थोड़ा टेबल इधर आएगी, तो वो ट्रांसवर्स फीड है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था. तो इस तरह से काम हो रहा है, और ये पूरा करने के बाद ये इधर गया फिर गया, और पूरा का पूरा जब एक बार कर दिया फिर दोबारा शुरू करेगा. दो कट बोले ना, तो दो कट में हमारा काम हो रहा है, इस डेप्थ ऑफ कट के हिसाब से दो बारी में वो काम होगा. तो इसने पहले ही दो कट दे दिया हमारे को, तो ये चीज हमारे को दे रखी है, डायमीटर, विड्थ, ट्रांसवर्स फीड और लॉन्गिट्यूडनल फीड, नंबर ऑफ कट और डेप्थ ऑफ कट. अब इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, फार्मूला टी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कट डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल फीड इंटू नंबर ऑफ स्ट्रोक्स इंटू नंबर ऑफ कट्स. तो मैंने फार्मूला बताया था वो एक कट के लिए था और इतने नंबर ऑफ स्ट्रोक्स के लिए था. ठीक है, एन नंबर नंबर ऑफ स्ट्रोक्स के हिसाब से बताया था. अब एल क्या है, अब इसमें क्योंकि डेप्थ ऑफ कट हमारे को दे रखा है, वैसे देखा जाए इसका क्या यूज है, हमारे इसमें कहीं यूज नहीं है अगर हम सीधा एल को ही एल मान लें, लेंथ ऑफ कट मान लें, लेकिन डी दिया तो हमें अप्रोच लेंथ निकालनी पड़ेगी इस डी से और इस डी से, और इनका और कोई यूज नहीं है इसमें. ठीक है, तो अप्रोच लेंथ हमें इसमें निकालनी पड़ेगी, और ओवररन हम ले लेते हैं 0.5 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ कट हमारा आ जाएगा ये. उसके बाद नंबर ऑफ स्ट्रोक्स किसके बराबर होते हैं, विड्थ ऑफ जॉब डिवाइडेड बाय ट्रांसवर्स फीड, यानी कि हर एक स्ट्रोक के बाद कितनी फीड दी जा रही है, एक स्ट्रोक हुआ कितना इधर आया. ठीक है, तो वो हमारे आ गए 32. ठीक है, 16 डिवाइडेड बाय 0.5. ठीक है ना, एफ टी हमारे को डब्ल्यू बाय टू दिया है, 2.5 बाय 5 0.5. ठीक है, तो ये हो गया 32 स्ट्रोक्स. और लॉन्गिट्यूडनल फीड क्या दिया हमारे, 8 मीटर पर मिनट. ठीक है, तो टाइम कैसे आ जाएगा हमारा, 81.91 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 32 इंटू नंबर ऑफ कट्स. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा. तो ये भी आप करके देखना, नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं. तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, और एस्टिमेशन ऑफ मशीन शॉप ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है. तो इसके अंदर आप अनसोल्व क्वेश्चन भी करके देखना. ठीक है, तो हमने बहुत सारी मशीनों के टाइम निकालने की इसमें प्रैक्टिस की है, और डिफरेंट फार्मूलाज थे, सभी फार्मूलाज को आप अलग से रख के नेम ऑफ ऑपरेशन और उसका फार्मूला रखना उसमें, तो आपको इजीली आपको वो मेमोराइज हो जाएंगे. ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टिल देन गुड बाय.